सिंधौली ब्लॉक प्रमुख पद के लिए आज पुलिस प्रशासन और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कभी निर्दलीय प्रत्याशी के मकान को अवैध बताकर गिराने की धमकी दी जाती रही तो कभी सपा प्रत्याशी के घर को पुलिस घेर रही थी। फिलहाल अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध जिताने के लिए सरकार के नुमाइंदे और नेता पूरी जोर आजमाइश करते नजर आए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के पति ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं शाहजहांपुर के दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। सिंधौली ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशी को निर्विरोध जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यहां निर्दलीय प्रत्याशी रितु सिंह के घर पर पीएसी पुलिस और राजस्व कर्मियों को भेजा गया। पर्चा वापस न लेने पर उनके घर को ढहाने की धमकी तक दी गई। फिलहाल इस दौरान प्रत्याशी के घर पर सैकड़ों समर्थक उनके समर्थन में जुटे रहे। थाना बंडा क्षेत्र के घुडार रोड पर डीएफओ ने छापा मारकर एक बड़ा पेड़ों का कटान पकड़ा है। लकड़ी माफियाओं ने वन विभाग की मिलीभगत से 50 से ज्यादा बेशकीमती पेड़ काट लिए। मौके पर पहुंचे डीएफओ आदर्श कुमार का कहना है कि पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से पेड़ों के कटान की सूचना देने की भी अपील की है। असंगठित मजदूर यूनियन उत्तर प्रदेश ने आज उत्तर प्रदेश भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत और गैर पंजीकृत श्रमिकों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें आपदा राहत सहायता योजना के अंतर्गत भरण पोषण के लिए श्रमिकों को 1,000 रुपए की धनराशि दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अधिकांश श्रमिकों के खातों में वो धनराशि अभी तक नहीं पहुंची। इसके अलावा श्रम विभाग द्वारा संचालित दूसरी योजनाओं में भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ दिलाने की मांग की गई है। जिले के बंडा ब्लॉक में कल ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव होगा। नाम वापसी के दिन दो उम्मीदवार मैदान में बचे हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी की ओर से सुबोध कुमार और भाजपा से ओम प्रकाश आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि अगर सत्ताधारियों ने कोई बेजा हरकत नहीं की तो हमारा उम्मीदवार जरूर जीतेगा। कलानवी स्टेट हाईवे पर खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक मोटरसाइकिल आग की भेंट चढ़ गई। ये मोटरसाइकिल किसकी थी और इसमें आग कैसे लगी, इस बारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं। थाना गड़िया रंगीन पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की हुई एक मोटरसाइकिल और असलहा बरामद हुआ है। पुलिस ने क्षेत्र के ही नगरिया निजामपुर के रहने वाले नाहर सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और तमंचा और कारतूस मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। मुरादाबाद फरुखाबाद स्टेट हाईवे पर कलान थाना क्षेत्र में काली देवी मंदिर के पास बाइकों की भिड़ंत में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल महिला को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां उसकी हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल महिला बदायूं के थाना क्षेत्र आलापुर के गांव ओघैती निवासी रामदास की पत्नी चंद्रवती है, जो अपने भाई विमलेश के साथ बाइक से सैदापुर गाँव अपने मायके जा रही थी। बाथम वैसेसभा ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में व्यापारी अजीत गुप्ता उर्फ पंकज गुप्ता से एक दबंग द्वारा 50,000 की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। बाथम वैसेसभा के जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता के नेतृत्व में आज तमाम वैश्य समाज के लोग पुलिस अधीक्षक एस आनंद से मिले और उन्हें शिकायती पत्र दिया। उनका आरोप है कि व्यापारी पंकज गुप्ता को उन्हीं का पड़ोसी पवन सक्सेना, जो कायस्थ महासभा का जिला महामंत्री बताता है, ब्लैकमेल करके 50,000 रुपए की रंगदारी मांग रहा है। आपको बता दें कि पवन सक्सेना ने भी कल सीओ सिटी से मिलकर इन्हीं व्यापारी पंकज गुप्ता की दबंगई और रास्ता जाम करने की शिकायत की थी। वाया पुलिस ने थाना क्षेत्र के ही पटाई गांव से अवैध शराब बनाते हुए सर्वेश पुत्र उधन को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 10 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण मिले हैं। इस मामले में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है।
तेलहर के आंगनवाड़ी केंद्र काकड़ पर आज कोविड-19 का टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। यह टीकाकरण ANM राधा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री राजेश्वरी सक्सेना और आशा वर्कर संतोषी की देखरेख में किया गया। इस टीकाकरण टीम को कोविशील्ड की 30 डोज उपलब्ध कराई गई, जिसमें 100% टीकाकरण करते हुए 30 लोगों को टीका लगाया गया। तेलहर से ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज नाम वापसी के दिन निर्दलीय प्रत्याशी छाया देवी ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद अब यहां भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर होगी। यहां भाजपा की कविता यादव और सपा की राजवती के बीच मुकाबला होगा। थाना रामचंद्र मिशन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 गौकसी करने वाले गैंगस्टर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध असलाह सहित 60 किलो मांस और मांस काटने के उपकरण मिले हैं। मुखबिर की सूचना पर और निशानदेही पर बाबा उर्फ जकील मुन्ना और सफी अहमद को पुलिस ने फतेहपुर रेती के एक मकान से गिरफ्तार किया। इन तीनों अभियुक्तों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अपना दल S की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के केंद्र सरकार में मंत्री बनने पर जनपद के अपना दल S के कार्यकर्ता 12 जुलाई को शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। ये कार्यक्रम 12 जुलाई को प्रातः 11 बजे से सहमतगंज गौटिया में स्थित आत्मानंद विद्यालय से मोटरसाइकिल रैली के रूप में महानगर में शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। तेलहर के भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड निगोही के ग्राम गुलड़िया बसारी में बहुउद्देशीय पंचायत भवन का हवन पूजन और भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान पति नेकपाल के साथ दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। वहां पुलिस ने थाना क्षेत्र के ही भूड़ा मैनारी गांव से एक अभियुक्त धर्मपाल पुत्र भगवन्नू को तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने सायाहपुर में शरबत बांटने का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का आयोजन महानगर के मालखाना मोड़ पर किया गया। यहां राहगीरों को शरबत पिलाया गया। निगोही से ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी सचिन वर्मा के निर्विरोध विजयी होने पर आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि सचिन वर्मा तेलहर से भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा के बेटे हैं, जिनको निगोही से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुना गया है। इस मौके पर महासंघ की ओर से सचिन वर्मा को फूलमाला पहनाकर बधाई दी गई और उनका मुंह मीठा कराया गया।